हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइक रेंचिंग। तो आज मैं आप लोगों को अपना जहाँ मैं जिम जाता हूँ वहाँ की थोड़ा टूर करेंगे, वर्कआउट दिखाएंगे थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट फिर मैं वहाँ पे मैं जाऊँगी ना, फिर मेरे दो दांत थे लास्ट के ना ऊपर वाला पूरा सर गया। अब पिछले महीने में निकालना था, निकाला नहीं, उसमें दर्द नहीं था। अब अभी दर्द बहुत हो रहा है यार, अब तो निकालना ही पड़ेगा। इसलिए हो सके तो उसका वीडियो भी बनाऊँगी, पहले मैं जिम जाऊँगी। चलो फिर जिम में दिखाता हूँ। ओहो, एक बात और भूल गया यार, अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलना। अब मेरा चाहिए जो ब्लॉग है इस अंदर हिंदी और टिबेटन अपना लैंग्वेज में दोनों में आएगा ना, तो फिर आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होना। कभी कभी हिंदी में आएगा, कभी कभी मिक्स आएगा, कभी कभी टिबेटन लैंग्वेज में आएगा। चलो फिर वही है ना, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर। आपकी पाइकोरिजिन यो मिलते सिद्ध जिम में। अब मैं जिम में पहुंच चुका है। अब हमारे जिम में क्या है, पार्किंग बहुत अच्छा है यार। मैं देखो सड़के के इस साइड जिम ऊपर है ना, नीचे देखो पार्किंग, इतना बड़ा स्पेस है पार्किंग। वाह यार, ये जिप से तो बड़ा मॉडिफाइड किया भाई, टायर बड़ा खतरनाक लगा है भाई। बड़ा खतरनाक मोड़वा किया यार। चलो फिर जिम में जाते हैं। यो गाइस, व्हाट्स अप, हम लोग जिम पहुँच चुके हैं। अभी सुबह की मतलब 10 बजने को है, जो मॉर्निंग जो वर्क करने लोग सब चल चुका है। सुबह में बहुत भीड़ होते हैं, इतना रश नहीं है तो खुला खुला खेलने का मज़ा आता है। चलो ये है कार्डियो सेक्शन, यहाँ पे कार्डियो सेक्शन लगा हुआ है। फिर यहाँ पे जो डंबल्स वगैरह, यहाँ पे लिफ्टिंग का, वेट लिफ्टिंग का है, तो थोड़ा सा दिखाएंगे आप लोगों को ना। तो यहाँ पे लेग का है, चेस्ट का है, सो कुछ इस तरह है। चलो भाई फिर अभी आज के वर्कआउट में कर रहा हूँ, वैसे तो डेली करते ना, अब आज की मैं वर्कआउट आप लोगों को दिखाएंगे शोल्डर का है ना, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। मैं भी ऐसा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना, प्रोफेशनल तो नहीं हूँ जिम में, वैसे जो मुझे आता है मेरे 8-9 साल की तजुर्बा हुई उतना नॉलेज थोड़ा सा है, उसके हिसाब से मैं आपको वो थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे शोल्डर जो वो खास महसूस करेगा। वो भी भाई जिम की ट्रेनर है, वो भी यहाँ पर काम करते हैं, वो भी के साथ आज शोल्डर मारेंगे। तो आप लोग देखे रहे, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। फिटनेस इम्पॉर्टेंट, अगर आपके शरीर में फिटनेस नहीं बैठेगा तो क्या करेगा, है कि नहीं। फिटनेस पहनना चाहिए, फिट पहनना चाहिए। ओके चलो फिर थोड़ा वार्म अप करेंगे, इसके बाद फिर वर्कआउट शुरू करेंगे। तो आज मरेंगे शोल्डर।
गए, वर्कआउट हो गया, शोल्डर की बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइज किए हम लोगों ने ना, फिर वो मज़ा आ गया यार। बहन भाई हो गए तो मैंने प्रो लोगों को भी मज़ा आना था। अभी बहन ब्रो तो बाहर वीडियो शूट में गया, मॉडलिंग का ना कुछ ऐसे काम से अभी तक नहीं आया, अब आने वाला है, हफ्ते अंदर आ जाएगा शायद, तब उनके साथ भी वीडियो बनाएंगे बाद में। तो चलो फिर आज के वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ फिर भूमि भाई के साथ। अब इसके नेक्स्ट कहाँ जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, जाएंगे मैं ट्राई करूँगी ना, फिर आई के दो टांग निकाल देंगे, फिर जिम के अंदर जो दो तीन लेडीज से रोज आते हैं गप्पा मार के होते हैं मज़ा से वो दिखाते हैं। मैं कह रही थी यहाँ पे देखो हेलो हेलो गाइस आप लेट क्यों लेट हो गई बात तो यार बच्चे आप घर पे हैं ना। अच्छा आप से काम कर रहे हैं। हाँ चलो 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 ठीक है चलो अभी गाइस फिर मैं अभी घर जाऊँगी फ्रेश होंगी, इसके बाद फिर मैं डालपुर में जाऊँगी, मैं देखूँगी कि ऊपर वाला तार निकाल देंगे, काफ़ी टाइम से सोच रहा था अब फाइनल निकालने पड़े क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है यार खाना खाते समय, इसलिए चलो फिर मैं वीडियो डेंटिस्ट के पास। ओके यो गाइस मैं अभी डालपुर पहुँच चुका हूँ, जो अपना पहले जो पुराना जिम था फूट उसके नीचे ही है, मैं सोचा यार कैंपिंग ऐसा कुछ लगाया होगा टेंट टेंट करके ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ शॉप ही है टेंडर्स ना शॉप ही है, तो मैं अंदर जाके दिखाता हूँ ना। वो फ्लूड जिम के ऊपर है ना जो यहाँ साइड पे है टेंडर्स के, यहाँ पार्किंग बनाया ना पहले तो यहाँ रख दिया, यहाँ पे है ना। तो आज मैं दांत ऊपर दो निकलने वाला हूँ। ओके गाइस अब मैं दांत निकालने जा रहा हूँ क्योंकि जो ये वाला पूरा सर गया बोला पिछले महीने मैंने वहाँ से वो किया था ना मतलब निकालने वाला था उस टाइम दर्द नहीं था, अब मुझे दर्द हो रहा है, अब मुझे दोनों नहीं निकालना है, ये तो ठीक है बोला ना जी सर ने, एक वाला लेफ्ट ही वाला सर गया बोला, अब वो निकालना पड़े सुई लगाएगा अभी। ओह माय गॉड अब कितना साल के बाद मैं ये कर रहा हूँ दर्द लग रहा है। Oh my god.
से बात करेंगे बैक टू दैट। माय गॉड सो डिलीवरी तो से चबा के रखना है अपने थूक इकट्ठा नहीं करना है मुंह के अंदर अंदर ले लेना जो भी बाहर नहीं थूकना है ठीक है बाहर नहीं थूकना है हाँ अंदर ले लेना जो भी है और ये दबा के रखना है एक घंटे तक लगभग 45 मिनट्स तक 45 मिनट्स तक उसके बाद कुछ निकालने के बाद कॉटन निकालने के बाद कुछ ठंडा सा खा लेना जैसे आइसक्रीम या ठंडा सा जूस पी लेना है अगर जूस वगैरह पीएंगे तो स्ट्रॉ से नहीं पीना है गिलास में डाल के पीना है और कल आज शाम तक जो है ठंडा और नरम खाना है आपको। चलो हो गया दांत कौन से सर होगा ये तो मिले सकते तो कॉटन में डाल के तू Oh my God, ऐसे सर गया। चलो गाइस कसम से यार अब मतलब बचपन में दांत निकल रहे थे ना अब कितने साल के बाद निकले थोड़ा सा दर्द हुआ ओके अब चलते हैं टोरो साहब थैंक यू वेरी मच आपका हाथ बहुत स्मूथ है इतना दर्द नहीं हो मेरे को कसम मैं तो डर गया था हल्का सा फील हो रहा था हल्का सा फील हो रहा था हल्का सा फील हो रहा था हाँ मेरा दांत लास्ट हुआ अभी निकाला है ना ये एक्स्ट्रा और लास्ट हुआ कसम सर गेट में ये अंदर फीलिंग हो गई तो ना छेद हो चुका चलो ओह माय गॉड अभी मेरे को सोचे फीलिंग हो रही खतरनाक एक्सपीरियंस था यार कसम सर फिर आप लोग कुल्लू में बैठते तो यहाँ ज़रूर आए हैं ना तो वो सब हाथ में बहुत स्मूथ है यार इतना पता ही नहीं चला हल्का सा चलो फिर मैं इसके जो लिंक है कॉन्टेक्ट नंबर मैं इसके साथ में दे दूँगी फिर आप लोग अगर कुल्लू में डालपुर के जो फ्लू जिम है SBI बैंक के साथ में यहाँ पे आएंगे ओके ये पेन किलर इंफेक्शन की सुबह शाम फिर थैंक यू फिर आप लोग कुल्लू में हो तो ज़रूर यहाँ आइए फिर दांत की जो भी हो चेकअप हो निकालना यहाँ आइए चेकअप फ्री है और कुछ निकालने या फिल्म करने तो कैसे होती है तो आप लोग ज़रूर आ जाइए भाई मेरे को तो डर लगा कसम से यार अपने बचपन में तो दांत निकाला था ना इसके बाद तो दांत निकाला नहीं चलो ठीक है।